राजधानी के कोटपुतली थाना क्षेत्र में झूठे मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। मामले में पुलिस ने एक महिला वकील सहित दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है और 60,000 रुपए की नकदी भी जब्त कर ली है। ये कार्रवाई प्रशिक्षु आरपीएस प्रियंका कुमावत के नेतृत्व में की गई है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। उनकी तरफ से की गई है। इसमें एक रेप का मुकदमा था जो जय अनुसंधान है वहाँ सी ऑफिस में, उसमें जो मुलजिम थे उनसे दो तीन लोग थे जिसमें इसकी प्रार्थिया भी थी। जय अनुसंधान जो मुकदमा है बलात्कार का, तो वो उससे बलात्कार के मुकदमे में राजीनामे के नाम पे और उससे पैसे की मांग कर रहे थे, जिस पर मैडम ने कार्रवाई की है और हमने मुकदमा दर्ज करके हम तफ्तीश कर रहे हैं। तो सर पहले से भी कोई मैटर था क्या सामने आया था या पहली शिकायत थी ऐसी कोई? ये अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं, हमारे पास तो पहला मैटर ही आया है। सर इसमें एडवोकेट का क्या रोल है? एडवोकेट ने बीच में पूरी डील का काम और सारा वो किया है और जो हमारे पास फरदार मौजूद है इस मुकदमे के संबंध में उसके हिसाब से एडवोकेट के पास से ही वो जो उन्होंने लिखवाया था राजीनामे का शपथ पत्र वो उसी के हाथ से फाड़ा हुआ वो बरामद हुआ है और उसके अलावा पैसे भी उसी के द्वारा फेंके गए हैं। सरदार